हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी से आई हुई है। ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जिनमें के डिस्टेंस में भी कोर्सेस चलते हैं, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी में एडमिशन के लिए, यानी आपका पीएचडी का जो कोर्स है वो रेगुलर बेसिस पे है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। यानी कि जो आपका पीएचडी कोर्स है वो डिस्टेंस में नहीं है, यानी कि पूरी मान्यता आपके पीएचडी की रहेगी अगर आप इस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो। यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतरीन है, ए प्लस ग्रेड की है, तो अगर आप यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं तो आपके पीएचडी की मान्यता अधिक होगी। देखिए, जो डिस्टेंस की बात मैं कर रही हूँ तो डिस्टेंस से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी पीएचडी कराती है, लेकिन उस पीएचडी की मान्यता नहीं है। आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, डिस्टेंस में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स मान्य नहीं है, ना तो कोई पीएचडी मान्य है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जैसे ये होता है कि डिस्टेंस में वो कर सकते हैं जो कि सर्विस में हो, लेकिन सर्विस में रहने के लिए आपको पीएचडी पार्ट टाइम कर लेना है, और अगर आप सर्विस में नहीं हैं तो फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस में मान्यता नहीं है, यूजीसी के वेबसाइट पे आप एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका सीईटी प्लस इंटरव्यू है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है और इंटरव्यू है। यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, एलिजिबिलिटी केवल मास्टर डिग्री यहाँ पे दी गई है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के, इंटरव्यू दे के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट का नेट है, सेट है, जेआरएफ है, ऐसे कैंडिडेट सीईटी से एग्जेम्प्टेड होंगे, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो चलिए देखते हैं ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी है और इसमें सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या हैं। ठीक है, सारी डिटेल हम लोग नोटिफिकेशन से ही देखते हैं। ये यूनिवर्सिटी है कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि आपके मैसूर में लोकेटेड है। एडमिशन प्रोग्राम दिया गया है 2023-24 का है, यहीं पे लिखा गया है, रेगुलर मोड पे है आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो दी गई हैं कि इसके बाद ये नोटिफिकेशन को यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन आपको फिल करना है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही देना है। रिसर्च डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, यानी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले दिया गया है कन्नड़, उसके बाद हिंदी है, तेलुगू है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, कॉमर्स है, जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एजुकेशन है। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका कि यूजीसी या यूजीसी सीएसआईआर, जेआरएफ, नेट, गेट या जीआरई है या एमफिल है, वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होंगे सीईटी से। ठीक है, उन्हें वाइवा में अपीयर होना होगा। जो सेंटर होगा आपके एंट्रेंस टेस्ट का वो मैसूर में ही होगा, यानी कि कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ी आपका है यहाँ पे 2000 रुपया। ठीक है, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1000 रुपया रखा गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है ऑनलाइन, पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेना है और आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को लेना है, यानी डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्ट करके, उसके बाद में लैंग्वेज, एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस, इस सब्जेक्ट के इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, या फिर इस एड्रेस पे बाय हैंड भी आप पहुंचा सकते हैं, या फिर जो अदर सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के ये दूसरा एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। डेट देख लेते हैं, जो अवेलेबल डेट है वेबसाइट पे, जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है वो 19/6 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट यहाँ पे हालांकि रखा गया था 30/6, लेकिन विद पेनाल्टी 500 रुपया आप यहाँ पे दे सकते हैं 15
15/7/2023 तक, यानी 15 जुलाई तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 23/7 को यानी 23 जुलाई को आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद में आपकी सारी डेट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं विथ लेट फी, ठीक है। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है, फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।